हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आप लोगों के लिए न्यू चादर पेंटिंग डिजाइन लेकर आए हैं, जिसे पेंट करके आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फूल की डाली को पेंट कर रहे हैं। डाली को पेंट करने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं। तो देखिए, हम पतले ब्रश से फूल की डाली को पेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से इस डाली को पेंट करना है। उसके बाद से हम सभी डाली को पेंट करेंगे और पत्ती का सबसे पहले आउटलाइन करेंगे, क्योंकि हम पत्ती को इस बार कुछ अलग तरीके से ही पेंट करके आप लोग को बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये पेंटिंग आप लोग को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम पूरे पत्ती का आउटलाइन करेंगे, उसके बाद से इसमें हम कलर भरेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरा अगला वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सारे पत्ती का आउटलाइन कर लिए हैं। इसके बाद से हम पत्ते को पेंट करके आप लोग को बता रहे हैं। इस पत्ते को पेंट करने के लिए हम दो कलर का यूज कर रहे हैं। ग्रीन कलर का आउटलाइन किए हैं, उसके बाद से इसमें हम व्हाइट कलर बीच में लगा करके और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा बीच का हल्का सा लाइट कलर आ जाएगा और किनारों पे डार्कनेस आ जाएगा ग्रीन। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हमारा पत्ता तैयार हो रहा है, बीच में थोड़ा सा लाइट कलर दिख रहा है। इसके बाद से हम ब्लैक कलर से इसमें नसों को बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हम इसके लिए कलम ब्रश का यूज कर रहे हैं और ब्लैक कलर से इसमें नसों को डाल रहे हैं। तो ऐसे ही हम प्रत्येक पत्ती को पेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए और इस पेंटिंग को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लुक आने वाला है। और आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से चादर पेंट करना सीख सकते हैं। हम इस पेंटिंग में स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, क्योंकि इसमें हम हल्का सा वाइट कलर जो बीच में डाल दे रहे हैं, जिससे पत्ता उभरा हुआ दिखने लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो बीच की नसों को बना रहे हैं, हल्का सा उसमें झुकाव दे करके ही बना रहे हैं। तो देखिए, हम ऐसे ही और भी पत्तियां जो थी उनको भी पेंट कर लिए हैं। अब मेरा ये लास्ट वाला पत्ती है, जिसे पेंट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आसान है इस पत्ती को पेंट करना। ये पेंटिंग बिल्कुल जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इजी है, जो इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। इसके बाद से अब हम नीचे जो रिबिन है, जो बांधा गया है इस फूल की डाली को, उसको पेंट करके आप लोग को बता रहे हैं। इसके लिए हम ऑरेंज कलर का यूज किए हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। ऐसे ही जब हम फ्लावर को पेंट करेंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम किनारों पे रेड कलर का यूज कर रहे हैं, उसके बाद से इसमें हम व्हाइट कलर का यूज करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। और व्हाइट कलर लगाने के बाद इसे अच्छे से एक दूसरे में मिक्स करेंगे, जिससे एक तरफ लाइट कलर दिखेगा और एक तरफ डार्क कलर दिखेगा। तो देखिए, हम फूल की पंखुड़ी को पेंट कर लिए, अब दूसरे फूल की पंखुड़ी को पेंट करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए,
हमने रेड कलर का यूज किया है, उसके जस्ट बगल में वाइट कलर का यूज कर रहे हैं। फूल की प्रत्येक पंखुड़ी में हम एक किनारों पे रेड कलर का यूज करेंगे और दूसरे किनारों पे वाइट कलर का यूज करेंगे, जिससे हमारा फूल की पंखुड़ियाँ जो भी है वो अलग अलग दिखेंगी और बहुत ही खूबसूरत लुक आने लगेगा इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम दो फूल की पंखुड़ियों को कलर कर लिए हैं और तीसरे फूल की पंखुड़ी को कलर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम प्रत्येक फूल को कलर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आसानी से सीख लीजिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पेंट करके बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये पेंटिंग आप लोग को कैसा लगा।